नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। G20 देशों की अध्यक्षता करने के लिए भारत को पहली बार अवसर मिला है। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन राजधानी लखनऊ में किया जाना है। इस संबंध में बाहर से आने वाले आगंतुक अतिथियों के स्वागत और शहर में सफाई व्यवस्था समेत सुरक्षा को चाक चौबंद करने, उनको विभिन्न होटलों में ठहराने संबंधी जानकारी पत्रकार वार्ता में साझा की गई। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार द्वारा राजधानी लखनऊ कलेक्ट्रेट में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आर्यन टीवी से खास बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि राजधानी के 3-स्टार रेटिंग वाले होटलों में अतिथियों के ठहराए जाने की व्यवस्था की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का कार्यक्रम वृंदावन कॉलोनी रायबरेली रोड स्थित सेक्टर 15 के विशाल ग्राउंड पर होगा। पत्रकारों की ओर से पूछे गए एक सवाल पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि COVID-19 समस्या से हम सभी लोग अवगत हैं, ये अच्छी बात है कि अभी लखनऊ में उसका कोई प्रकोप नहीं है। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट एवं उसके अलावा और भी कई इवेंट्स होने हैं, जिसके संबंध में आज प्रेस वार्ता लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी द्वारा की गई है। हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार विस्तृत रूप से और विस्तार से वो बताएंगे किस तरह से लखनऊ इसके लिए तैयार है, किस प्रकार कार्यक्रम की तैयारी करा है लखनऊ। फरवरी माह में लखनऊ में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रपोज्ड है, जिसमें देश और विदेश के बड़े उद्योगपतियों के आने की संभावना है। लगभग 10,000 लोग आएंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। उनकी मेजबानी करने के लिए लखनऊ शहर को सजाया संवारा जा रहा है, यहाँ पर चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे कि हम उन लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएं। सर, इस संबंध में जैसे एक बार फिर से कोरोना आ रहा है, उस संबंध में क्या सावधानियां हैं और जो बाहर से हमारे अतिथि आएंगे उनको ठहराने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है? अतिथियों को ठहराने के लिए हमारा लखनऊ सक्षम है, यहाँ पर अप्रोप्रिएटली सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनको पुनः दुरुस्त किया जाना ज़रूरी था, इसलिए हमने सभी होटल वालों के साथ में बैठ के इसके संबंध में बातचीत कर ली है और हमको उम्मीद है कि वो व्यवस्थाएं प्रॉपर रहेंगी। जहां तक कोविड का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ी है और उसको हमें सतर्कता में तब्दील करते हुए अपने व्यवहार को परिवर्तित करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए। हमने 2.5 साल में इसको काफ़ी सीखा है, अब पाबंदियों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें स्वतः संज्ञान लेते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय रिस्क है उसको एसेस करते हुए अपने व्यवहार में जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब का पालन शुरू करना चाहिए। कोविड अभी लखनऊ में नहीं है, पिछले 3 दिन से कोई केस नहीं है, लेकिन हमको गंभीरता रखनी है, हमें सावधानियों में लापरवाही नहीं बरतनी है। ये सभी के लिए मैसेज है। आप सभी को और आपके माध्यम से जो लोग भी आपके दर्शक हैं उन सबको मेरी तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बीजेपी कार्यालय में बैठक का दूसरा दिन, 12 बजे से चल रही है बैठक। प्रदेश कार्यालय में लोगों का आना हुआ शुरू, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आना शुरू। बीजेपी कार्यालय में बैठक का दूसरा दिन, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 12 बजे से चल रही है प्रदेश कार्यालय में बैठक। प्रदेश कार्यालय में लोगों का आना हुआ शुरू, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आना शुरू। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर बैठक का आज दूसरा दिन है और तमाम अहम मुद्दों को लेकर बीजेपी के नेता और संगठन से जुड़े हुए लोग बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें आप बीजेपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ की देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो कार्यालय के अंदर जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। राजधानी लखनऊ के स्थानीय आर्यन होटल में कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा ने आर्यन टीवी संवाददाता से बातचीत की। इस दौरान पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर राजनीति कर रहे विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। बैठक के भाग लेने के लिए लखनऊ आया हूँ और इसमें
कार्यकर्ताओं का, भाजपा कार्यकर्ताओं का स्नेह रहता है कि कहीं भी मुझे रोक सकते हैं, उनका अधिकार है, तो उन्होंने रोका है और सबके साथ जब तक बातचीत, तो नए साल की शुभकामनाएं देने का क्रम रहा है। मैंने भी सभी के लिए नंबर्स की शुभकामनाएं दी है और रही बात किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट की है, किसी आगे चर्चा करेंगे तो मेरे स्तर से कोई भी समस्या का समाधान होगा या मैं कर सकता हूँ तो निश्चित। वहीं बरेली जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक निर्वाचन 2023 के लिए मतदेय स्थलों के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक निर्वाचन 2023 के लिए मतदाताओं की संख्या ।24,246 है, जिनमें से 15,767 पुरुष और 8,497 महिलाएं शामिल हैं। देखिए, एमएलसी का चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और आयुक्त महोदया इसकी आरओ हैं और हम लोग रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं, सहायक रजिस्ट्रेशन अधिकारी। अब तक हम लोगों ने लगभग 24,000 मतदाताओं का पंजीकरण हमारे यहाँ हो चुका है। कंटिन्यूअस अपडेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जैसा नियम है, जो छूटे हुए होंगे थोड़े बहुत उनका नाम बढ़ सकता है, अन्यथा हमारी मतदाता सूची फाइनल हो चुकी है जो आरओ महोदया के हस्ताक्षर से जा चुकी है प्रकाशन के लिए। राजधानी लखनऊ में बुद्धेश्वर विकास महासभा ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाए जाने के संबंध में कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। संरक्षक रमाशंकर राजपूत और अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम और रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। अध्यक्ष राजेश शुक्ला और संरक्षक रमा शंकर राजपूत ने सम्मिलित होने वाले लोगों को संरक्षक पद और अन्य पदों की जिम्मेदारियां सौंपी। संरक्षक राम शंकर राजपूत ने कहा, सनातन संस्कृति और विकास के लिए संकल्पित विदेश और विकास महासभा निरंतर अपना कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा ने कार्यक्रम में आने की स्वीकृति प्रदान की है, इसकी भी जानकारी दी गई। किराए पे की गई है, जिसमें बहुत से हमारे पदाधिकारी जो बुद्धेश्वर विकास महासभा में निरंतर कार्य करते रहते हैं, उन सब लोगों के सहयोग से आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है और आगामी 8 जनवरी को जो बुद्धेश्वर विकास महाका स्थापना दिवस कार्यक्रम बुद्धेश्वर मंदिर में है, उसी को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। नए साल के जश्न के बीच गोरखनाथ मंदिर में बम होने की झूठी सूचना देकर सनसनी फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है, जो गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र में बेकरी की दुकान पर काम करता है। उसने पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करके गोरखनाथ मंदिर में बम होने की झूठी सूचना देकर सनसनी फैला दी। इस सूचना के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान अधिकारियों ने इस सूचना को गंभीरता से लेकर जांच की तो सुरक्षा तो सूचना झूठी निकली। बीते साल आतंकी मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर में 2 PSC जवानों पर बांकी और चाकू से हमला कर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद मंदिर में घुसने के प्रयास के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। व्यक्ति द्वारा 112 नंबर पर फोन करके सूचना दी गई थी कि गोरखनाथ मंदिर में कुछ लोग केक के बहाने बम लेकर अंदर प्रवेश किए हुए हैं। इस संबंध में जैसे सूचना प्राप्त हुई उसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमों का गठन किया गया और उपरोक्त व्यक्ति को सर्च किया गया।
उससे उपरोक्त व्यक्ति जब मिला तो उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में कई चीजें सामने आई। इस संबंध में थाना कैंट पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद उपरोक्त व्यक्ति हिरासत। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। नाले में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कल घर से निकला था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छठिया थाना क्षेत्र के गुरा गांव की घटना। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कल घर से निकला था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छठिया थाना क्षेत्र का मामला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्नौज की ये तस्वीरें हैं जहां पर नाले में युवक का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। युवक कल घर से निकला था और नाले में युवक का शव मिला, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। इंजीनियर के साथ हुई लूटपाट और मारपीट। 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाइक सवारों ने 25,000 रुपए की लूट को दिया था अंजाम। विरोध करने पर इंजीनियर के साथ की मारपीट। घायल अवस्था में अस्पताल में कराया था भर्ती। पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा किया था दर्ज। घटना में शामिल मोटरसाइकिल बरामद। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र का मामला। विरोध करने पर इंजीनियर के साथ की मारपीट। घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इंजीनियर के साथ हुई लूटपाट मारपीट। 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की है जहां पर एक इंजीनियर के साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात हुई थी, जिसके मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से मामले में वारदात को अंजाम देने में शामिल रहे 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। हज समिति के चेयरमैन ने लिखा पत्र। मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। पत्र लिखकर वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण मुआवजे में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। सभी जिलों में पिछले 15 वर्षों से अब तक धनराशि की जांच। धनराशि वितरण की जांच कराने की मांग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हज समिति के चेयरमैन ने लिखा पत्र। मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर पत्र लिखा है और कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। पत्र लिखकर वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण के मामले को उठाया है और इसके साथ ही कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप भी मोहसिन रजा ने लगाए हैं और मुख्यमंत्री से मामले में जांच की मांग की है। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा में अब होगी साप्ताहिक बंदी।
बाजार सप्ताह में एक दिन के लिए होंगे बंद। जिला प्रशासन ने जारी किया शेड्यूल। अपर जिलाधिकारी ने किए आदेश जारी। सोमवार को जेवर सेक्टर अल्फा बीटा गामा डेल्टा जगत फार्म कसाना टावर और ग्रेटर नोएडा बंदी। मंगलवार में कुलेसरा हबीबपुर हल्दौनी रबुपुरा और सूरजपुर मार्केट बंदी। बुधवार दादरी और बिलासपुर बंदी। बृहस्पतिवार श्यामनगर मंडी और दनकौर बंदी। शनिवार जहांगीरपुर बंदी। ग्रेटर नोएडा में साप्ताहिक बंदी को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। मंगलवार को कुलेसरा हबीबपुर हल्दौनी और रबुपुरा बंद रहेंगे। बाजार सप्ताह में एक दिन के लिए होंगे बंद। बुधवार को दादरी और बिलासपुर में बंदी। शनिवार को जहांगीरपुर बंद। तस्वीरें आप ग्रेटर नोएडा की अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां अब बाजारों में साप्ताहिक बंदी होगी और बाजार सप्ताह में एक दिन बंद होंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए शेड्यूल जारी किया है। ग्रेटर नोएडा में अब साप्ताहिक बंदी होगी और जिला प्रशासन ने इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। होगी साप्ताहिक बंदी। बाजार सप्ताह में एक दिन के लिए होंगे बंद। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रशासन की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें उन दिनों का भी जिक्र है जिसमें बाजार बंद रहेंगे। वही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। गाजियाबाद के लोनी के रास्ते भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली से यूपी में प्रवेश कर रही भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंच पर मौजूद है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो दूरियां थी वो खत्म हो गई। यही इस यात्रा की सफलता है। यूपी में तमाम दलों ने शुभकामनाएं भेजी हैं, यही पर्याप्त है। अगर वो आते तो और स्वागत होता। वहीं कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि हम बहुत दिन से इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और इसके लिए तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो और कार्यकर्ता गाजियाबाद के लोनी में जुटे हुए हैं और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लोनी से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और इसके लिए यात्रा के स्वागत के लिए तमाम प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं लोनी बॉर्डर पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज प्रवेश करेगी। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने सराफा व्यापारी से लूट के दौरान गोली मारने के मामले में वांछित चल रहे दो बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। दरअसल बुलंदशहर की नगर कोतवाली इलाके के धमेड़ा अड्डा स्थित सराफा की दुकान में पिछले साल 3 नवंबर को हथियारबंद दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही विरोध करने पर बदमाशों ने सराफा व्यापारी राहुल निवासी गांव उटरावली को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। आज सुबह नगर पुलिस ने
वलीपुरा नहर के पास आशीष ठाकुर को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि उसका साथी भाग निकला। बाद में पहासू पुलिस ने चेकिंग के दौरान अब्दुल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अब्दुल पहासू थाना इलाके के पल्ला झाल के पास मुठभेड़ में मारा गया। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि आशीष की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल और एक दरोगा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। दोनों बदमाशों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। बदमाश अब्दुल की भी मौत हो गई है। कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी, जिसमें कि दो लोगों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर फायरिंग करी थी और कुछ सामान लूट कर ले गए थे। इस घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इन दोनों अभियुक्त पर 50,000 रुपए का इनाम था और ये दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी थे, जिनका पूर्व का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। एक तो रात में आया था मरीज, मतलब उस समय उसकी हालत सीरियस थी, आशीष नाम का, और दो पुलिस वाले आए थे, उनके भी गोली साइड से निकली थी। तो जो उसे ट्रीटमेंट करके आशीष को, उसकी हालत सीरियस थी तो उसे रेफर कर दिया था। बाद में रास्ते में उसकी डेथ हो गई तो फिर उसे वापस ले आए उसको। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे। आगे लिखा, त्योहारों और नए साल पर बेहतर कानून व्यवस्था हो। क्रिसमस और नववर्ष पर सभी जिलों में शांति सौहार्दपूर्ण माहौल रहे। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कारण लोगों ने निश्चित सपरिवार आनंद लिया होगा। अयोध्या, काशी, मथुरा आदि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु, सुरक्षा का ये माहौल आगे भी बना रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन को हमेशा तत्पर रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सीएम ने तमाम त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था का जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था मेंटेन रही और शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा, इसके लिए पुलिस और प्रशासन को लगातार तत्पर रहना होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनावी रथ से अपने परिवार के साथ मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान मैनपुरी के प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार में पूरे परिवार के साथ चाट और मिठाई खाई। उनके साथ उनकी बेटी टीना, पत्नी डिंपल यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मौजूद रहे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कहा कि सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था इस तरीके की व्यवस्था के लिए, उनके बावजूद भी सरकार ने जानबूझकर निकाय चुनाव कराने की कोशिश की। पिछड़ों का आरक्षण ये लोग अभी से छीन रहे हैं, आने वाले समय में दलित भाइयों का भी आरक्षण छीन लेंगे। सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह की कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन रहे हैं, आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीन रहे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिली थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।